बाबा नहीं रही, मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। अंतिम सफर में पार्थिव देव के साथ शव वाहन में ही बैठे रहे। पीएम की मां के निधन पर योगी ने दी श्रद्धांजलि, लिखा बेटे के लिए मां पूरी दुनिया। मायावती का ट्वीट, उन्हें दुख सहन करने की ताकत मिली। छठवीं बार पीएम बने बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल में अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार। महान फुटबॉलर पेले का निधन, 82 साल की उम्र में साओ पाउलो के अस्पताल में ली अंतिम सांस। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, गंभीर चोटें आई हैं। चलती हुई कार खिड़की तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। 100 वर्षीय हीराबेन अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित सेक्टर 30 में शमशान भूमि पर मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। हीरा बा के पंचतत्व में विलीन होने के बाद राजभवन के लिए निकल गए। इसके पहले उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी माँ के शव को कंधा दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने गुरुवार को परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगी। बता दें कि CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट पहले ही घोषणा कर चुकी है। बोर्ड 2 जनवरी से 14 जनवरी तक 2023 के बीच कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए प्रैक्टिकल्स आयोजित करेगा। खबर बदायूं से है, जहां CEO सहसवान चंद्रपाल सराहनीय पहल सामने आई है उनकी। उन्होंने स्कूली बच्चों के ड्रेस, जूते, मोजे, जर्सियां बांटकर उन्हें स्वावलंबी होने की ईश्वर से कामना की। ठंड से कांपते बच्चों को देख CEO भावुक हो उठे और उन्होंने बच्चों को गले लगाकर उन्हें दुलार किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशरफ अली ने CEO की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि CEO चंद्रपाल सिंह ने अपने फर्ज को निभाने के साथ ही इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए आसपास की जो भी जरूरतमंद हो उसकी मदद अवश्य करें। अमरोहा नगर के रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता एवं जमीयत अल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बू मंसूरी ने ठंड के प्रकोप के चलते जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की अंधेरे रात में उन्होंने कंबल वितरण किया है। बब्बू मंसूरी ने कहा कि मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके पास जितना हो सके लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का यही फर्ज है। यह वितरण तो वैसे हम हर साल करते हैं और कई बार करते हैं, लेकिन सही चीज सही जगह पहुंच जाए। जैसे आज ठंड का मौसम चल रहा तो बहुत से ऐसे पात्र हैं जो स्टेशन पर, रोडवेज पर बेचारे बिना कंबल के बिना रजाई के रहते हैं। उन्हें हम ढूंढ ढूंढ के एक नए काम कर रहे हैं ताकि उन तक सही मदद पहुंच जाए। बस यही है, जिसके पास जो है वो गरीबों की मदद करे। अगर मेरे पास रजाई है, लहाफ है या रुई है तो मैं चाहता हूँ कि हर गरीब मदद हो जाए जो ठंड में बेचारा ठिठुर रहा है। हरदोई बेलग्राम पुलिस के लिए चुनौती बने। चोरों ने भाजपा नेता के घर पर धावा बोलते हुए वहां से लाखों की नकदी पर जेवर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि इससे पहले कि बेलग्राम कस्बे सहित इलाकों में कई चोरियां हो चुकी हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की नींद हराम हो गई है। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाई जाएगी। चोरी हुई है, क्या कहेंगे इस पर, कितनी क्या चोरी हुई अभी तक, कितना अनुमान लगाया गया चोरी का? 1.5 लाख नगद, एक जंजीर सोने के, एक कुंडल, एक झाला, 5 जोड़ी पायल और कपड़े, धोती, कम्बल वगैरह, यह मैं बक्सा ले गया। जेवरात नगदी समेत कितने तक की चोरी हुई है आपकी? 5-6 लाख। तो इस संबंध में आपने कोतवाली में कोई शिकायत की या नहीं की? अभी कोई नहीं।
क्या आश्वासन अभी कोतवाल तरफ से मिला, अभी यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने कहा? वो कहेंगे एप्लीकेशन वगैरह दो, अभी उसकी जाँच कराएंगे। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद। संग्राम का मामला है, हरिश्चंद सना प्रसादी निवासी रफियत भिन्न, इन्होंने आज बताया है कि उनका दो घर है आमने सामने, जिस घर में नहीं रहते हैं उस घर में रात चोरों ने जो है चोरी की है, जिसमें कुछ नकद पैसे हैं, सोने की चेन, झाले और कुछ साड़ी ले गए हैं। पुलिस को कुछ क्ल्यू मिला है, सीसीटीवी मिली है, उचित धाराओं में जो पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन एक में लगातार साइकिल चोरी हो रही थी, इसकी शिकायत लोगों ने आरडब्ल्यूए अध्यक्ष महकर कसाना से की, जिसके बाद अलग अलग सीसीटीवी चेक किया गया तो आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के घर पर लगे कैमरे में बच्चा चोर साइकिल ले जाते दिखा, जिसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस बच्चे से पूछताछ की गई तो उसे अन्य बच्चे चोरों का पता चला, जिनमें से 5 साइकिल बरामद हुई। तो वहीं चोरों को पकड़वाने वाले बच्चे को चौकी प्रभारी ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। लखनऊ के पारा के भरोसा स्थित एक बाग में सरवन कुमार, जिसकी उम्र लगभग 45 साल, का शव पेड़ से लटकता मिला। तलाश में जुटे परिजनों ने शव को देखा तो होश उड़ गए। सरवन की पत्नी ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए 12 लोगों पर केस दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक सरवन कुमार ठाकुरगंज फरीदीपुर स्थित घर के बाहर आटा चक्की का काम भी करता था, तो वहीं पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। खबर फरीदाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे पर तेज गति से चल रहा ट्राला अनियंत्रित होकर जिसके चलते बाटा फ्लाईओवर से डिवाइडर को तोड़ता हुआ पुल से नीचे लटक गया। इस दुर्घटना को देख आसपास के लोगों के होश उड़ गए, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्राला को नीचे उतारा गया। इस हादसे के चलते फ्लाईओवर भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्राला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दस बजे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि भी नेशनल हाईवे दिल्ली से बल्लभगढ़ रोड पर एक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेला चलता हुआ रोड से नीचे गिर गया है। जिस सूचना पर मैं अपनी चौकी स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचा हूं, जो ड्राइवर गाड़ी में था, जिसको स्टाफ की मदद से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए बीकेएस फरीदाबाद भिजवाया गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा गया, जो ठीक ठाक चल रही है। इसके अलावा आसपास क्रेन का प्रबंध करके लिफ्टिंग क्रेन को मौके पर बुलवा लिया गया है। गाजियाबाद लोनी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा चिरोड़ी में मोटरसाइकिल चालक द्वारा हल्की सी मोटरसाइकिल छू गई, जिसके बाद विवाद हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई की, तो वहीं गांव के आने जाने वाले युवकों पर भी जमकर पथराव किया गया। मामला दो समुदाय का होने से लोनी पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आया और भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने पथराव और मारपीट करने वाले कई युवकों को हिरासत में लिया। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए, घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी लोनी ने बताया कि पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सर, चिरौड़ी गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ है, किस बात को लेकर विवाद हुआ था और क्या पूरा घटनाक्रम? थाना लोनी के चौकी चिरौड़ी के अंतर्गत चिरौड़ी गाँव में बाइक स्पर्श कर जाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। पहला पक्ष खड़खड़ी का रहने वाला था और दूसरा पक्ष यहीं चिरौड़ी मार्केट का रहने वाला था और उसमें विवाद इतना बढ़ा कि पथराव हो गया। पथराव में एक पक्ष से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया, मामूली रूप से घायल हैं और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति।
रायबरेली के रेड गांव में एक मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बता दें कि बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी बगल में बने 3 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। बच्चा जब घर के परिजनों को नहीं मिला तो उन्होंने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब तक घर वालों की नजर बच्चे पर पड़ती तब तक देर हो चुकी थी। आनन फानन में गड्ढे से निकालकर बच्चे को लालगंज CSC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और सभी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। आज के लिए अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।